रेडियो गप्पिस्तान शिवराज सिंह चौहान की धोखेबाजी का एक और खुलासा लेकर हम आपके बीच हाजिर हैं। समर्थन मूल्य का सच छिपाया और किसानों की योजनाओं पर ताला लगाया। शिवराज सरकार के 18 सालों को दमनकारी, क्रूर, कपटी और किसान विरोधी काल के रूप में मध्य प्रदेश के इतिहास में याद रखा जाएगा। फसलों के दाम मांगने पर किसानों के सीने पर गोलियां चलाने वाली भाजपा और शिवराज सरकार ने किसानों के साथ हमेशा छल किया और इसके 6 साक्ष्य और सबूत लेकर हम आपके बीच मौजूद हैं। समर्थन मूल्य मध्य प्रदेश के किसान की लागत से कम और शिवराज सिंह चौहान ने इस धोखे को छिपा लिया। हाल में ही 2024-25 के लिए रबी फसलों के लिए केंद्रीय मोदी सरकार ने समर्थन मूल्य की घोषणा की। आखिरी सांसें गिन रही शिवराज सरकार ने और चापलूसी की सारी हदें पार कर गए शिवराज सिंह चौहान ने कपाक से प्रधानमंत्री को बधाई दे डाली। पर बधाई में मध्य प्रदेश के किसानों के साथ घिनौना छल यह था कि खुद शिवराज सरकार ने रबी फसलों के लिए इससे अधिक कीमत लिखकर मांगी थी और ये बात बाकायदा शिवराज सरकार ने, मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने देश के कृषि मूल्य एवं लागत आयोग को लिखकर भेजी थी। यही नहीं, पड़ोस में दो और भाजपा शासित राज्य हैं, महाराष्ट्र और गुजरात, उन दोनों ने भी कहा जो कीमत मांगी थी एमएसपी उससे कम है। और इसलिए मैं आपको एक चार्ट भेज रहा हूं, वो ये है। इस चार्ट में मैंने 4 कॉलम बना दिए सरलता के लिए। उदाहरण के तौर पर गेहूं का एमएसपी अनाउंस किया जिस पर वाहवाही लूटने की कोशिश की गई 2275 रुपया 2024-25 के लिए। मध्य प्रदेश ने कहा कि यहां के किसान की गेहूं की लागत है पैदा करने की 2400 रुपया। तो आप बधाई दे रहे हैं पर दूसरी तरफ लिख के दे रहे हैं कि 2400 की बजाय मिल रहा है 2275। महाराष्ट्र ने तो और ज्यादा कहा, उन्होंने कहा 4131 उनके यहां लागत आती है प्रति क्विंटल, और ऐसे ही गुजरात ने भी कहा 3850। एक और जौ की जो हमारे यहां फसल है उसकी एमएसपी अनाउंस हुई 1850 रुपया, मध्य प्रदेश ने लिखकर मांगी 1925 रुपया, यानी किसान की लागत से कम। चने की इसी प्रकार से अगर आप देखते रहें आगे की आगे, चने की कीमत अनाउंस हुई 5440, परंतु हमने मांगी 5500 रुपया। ये सारे फसलों का मैंने चार्ट बना दिया। तो जितनी किसान की लागत है अगर उससे कम एमएसपी घोषित होगी तो शिवराज सिंह चौहान तालियां बजाएंगे। किसान के साथ इससे बड़ा धोखा हो क्या सकता है? दूसरा एक पहलू, फरवरी 2016 में सीहोर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि किसान को लागत प्लस 50% मुनाफा देंगे और फिर बार बार पूरे देश में इसे प्रधानमंत्री जी ने दोहराया। अब अगर लागत चमा 50% का आधार भी देख लें तो ये एमएस, मैंने एक चार्ट आपको छोटा सा और बना दिया जो रबी सीजन का एमएसपी है वो उससे कहीं कम है। तो किसान को किया ये वादा भी टूटकर धराशाही हो गया। और सबसे बड़ा किसान के साथ धोखा है
कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार एमएसपी की घोषणा तो करती है पर किसान को समर्थन मूल्य पर फसल नहीं खरीदती। ये मैं नहीं कह रहा, अब उनका 2022-23 की खरीदी का आंकड़ा अभी जारी हुआ तो मैंने वो भी आपके लिए यहां लिख दिया। अगर आप पूरे देश में भी देख लें तो उत्पादन हुआ 1302 लाख धान का, एमएसपी पर खरीदा 651 लाख टन यानी आधा। गेहूं का उत्पादन हुआ 1068 लाख टन, खरीदा मात्र 187 लाख टन यानी 18%। और अगर तिलहन देखें तो वो एमएसपी पर खरीदा 0.13%, दालें खरीदी 0.43%, ज्वार बाजरा रागी मक्का खरीदा 0.26%। तो फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य की जैसा तीन काले कानूनों से किया जा रहा था उसके मायने क्या है? आप कर दी नहीं न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा, आपने खरीदनी तो है नहीं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये तो उनकी खुद की केंद्रीय भाजपा सरकार के आंकड़े कह रहे हैं। काश शिवराज जी और मोदी जी इसका जवाब दें। और मध्य प्रदेश में तो एक और छल किया गया, 2 सितंबर 2023 को चित्रकूट में शिवराज जी ने पर्ची देकर नड्डा जी से यह कहलवा दिया कि साहब भावांतर योजना यहां बहुत अच्छी चल रही है। तो हमने कहा चेक तो करें, इतनी अच्छी चल रही है तो किसान को फायदा हो रहा होगा। तो पता चला कि 2023-24 में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने भावांतर योजना का बजट रखा है 1000 रुपया। 1000 रुपया में पूरे मध्य प्रदेश के सारी फसलें पैदा करने वाले रबी और खरीफ के किसानों को भावांतर योजना का फायदा दे रहे हैं और उसका ढोल पीट रहे हैं जेपी नड्डा। भैया इसीलिए हम कहते हैं अगर नकल मारो तो थोड़ी अकल से तो मारो, और झूठी पर्चियों का फायदा क्या है शिवराज जी। और फिर मैंने कहा पिछला भी चेक कर लें तो पता चला कि 2021-22 और 22-23 में शिवराज सिंह चौहान ने भावांतर योजना में एक फूटी कोड़ी यानी एक पैसा भी खर्च नहीं किया 2021-22 और 22-23 में, और 23-24 का बजट है 1000 रुपया। एक और पहलू देख लीजिए, भाजपा ने किसान कल्याण विभाग को किसान दुर्दशा विभाग बना दिया। शिवराज सरकार ने पिछले 6 माह में, यानी बजट जब से शुरू होता है अप्रैल में, और मेरे पास उनके बजट का मैं एक कागज ले आया वो मैं आपको रिलीज कर रहा हूं, ये वित्त विभाग का कागज है मध्य प्रदेश शासन के, सितंबर 2023 तक किसान कल्याण की योजनाएं आपको पता है वो केंद्रीय प्रायोजित हैं अधिकतर, और उनमें प्रांतीय सरकार अपना हिस्सा डालती है तो वो चलती है। 23 योजनाओं में से 19 योजनाओं ने अप्रैल से सितंबर तक कितने हजार करोड़ दिया होगा अगर मैं आपके समक्ष रखूं? 0। 23 योजनाओं में से 19 योजनाओं में शिवराज सिंह चौहान ने किसान कल्याण की योजनाओं में 0 पैसा दिया। ये उनके बजट के वित्त विभाग का कागज है, मैं आपको रिलीज कर रहा हूं। इसीलिए मैं कहता हूं रेडियो गप्पिस्तान शिवराज सिंह चौहान भाषण बड़े बड़े दे देंगे, ये उनकी सच्चाई। और शायद इसीलिए नरेंद्र सिंह तोमर जी जो कृषि मंत्री हैं केंद्रीय है, उनके विभाग की संसदीय समिति ने मध्य प्रदेश में बताया कि मध्य प्रदेश के किसानों की आय 2015-16 में 9,740 रुपया प्रति माह थी, और शिवराज सिंह चौहान की कारस्तानी के चलते, भाजपा की कारस्तानी के चलते ये कम होकर, ये अकेला शायद ऐसा प्रांत है इस देश में जहां खुद उनका कृषि मंत्री जो अब चुनाव भी लड़ रहे हैं बता रहे हैं
कि ये अब कम होकर 8,339 प्रति माह हो गई, यानी 5 अगर एवरेज परिवार के सदस्य हैं तो पूरे परिवार के लिए 270 रुपया प्रति दिन या 55 रुपया प्रति व्यक्ति, 55 रुपया प्रति व्यक्ति में मध्य प्रदेश के किसान के परिवार का सदस्यों की जिंदगी कैसे चल पाएगी, ये मैं नहीं कह रहा, ये कांग्रेस नहीं कह रही, ये नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं उनकी सरकार की कारस्थानी के बारे में। किसान परिवार की आय कम हो गई और कम होकर 270 रुपया प्रतिदिन हो गई, और अगर 5 परिवार के सदस्य किसान के हैं तो 55 रुपया प्रति व्यक्ति हो गई। किस प्रकार से जिंदगी चलेगी, ये है भाजपा के छल का सच, यानी जो मजदूर की दिहाड़ी है उससे कम हो गई। और किसान सम्मान निधि किसान अपमान निधि बना दी। एक तरफ तो 9 सालों में मोदी और शिवराज सरकारों ने प्रति हेक्टेयर 25,000 रुपया कीमतें बढ़ा दी, डीजल, खाद, बीज, बिजली और दूसरी खेती के उपकरण, जीएसटी, इन सब से। दूसरी तरफ उसी किसान की जेब से 25,000 रुपया प्रति हेक्टेयर लूटकर कहा भैया तुम्हें 6,000 रुपया देंगे, ये तुम्हारा सम्मान है, बाकी हम रख लेंगे। अब उस 6,000 रुपये का सच क्या है वो और देख लीजिए, क्योंकि ये सवाल संसद में मैंने पूछा था, बचा के रखा था कि आपको बताऊंगा जब चुनाव शुरू होगा। तो मोदी सरकार ने 8 अगस्त 2023 को संसद में बताया कि देश में 2,15,00,000 किसान कम हो गए, क्योंकि हमने पूछा भाई बताओ पिछले साल कितने लोगों को, किसानों को आप सम्मान निधि का पैसा देते थे, इस साल कितने लोगों को देते। तो वो संख्या उन्होंने बताई, किसान कम नहीं हुए, अब उस पैसे को भी काटने की कवायद शुरू हो गई। 2,15,01,132 किसान, उन्होंने कहा अब कम हो गई ये संख्या, यानी इतने लोगों को हमने काट दिया सूची में से। तो मैंने पूछा मध्य प्रदेश में से कितने कम किए, तो मध्य प्रदेश में किए 8,97,203 कम, तो 9,00,000 यानी मध्य प्रदेश के किसान परिवारों को अब किसान सम्मान निधि का पैसा 8 अगस्त 2023 से वो नहीं देंगे, और फिर हमारी वोट भी मांगते हैं किसानों के। इसके विपरीत किसान ने हमेशा ये कहा है कि उसे स्वामीनाथन आयोग के अनुरूप कीमत मिले, यानी C2+50%। कांग्रेस ने यह वचन दिया है वे किसानों को गेहूं के मूल्य का 2,600 रुपया और धान का 2,500 रुपये देंगे, जो आप मेरा चार्ट भी देख लें तो C2+50% से ज्यादा है, और हम इसे 3,000 रुपया तक लेकर जाएंगे। दूसरा वचन हमने ये भी दिया है कि मध्य प्रदेश के किसानों के 5 हॉर्स पावर तक जिनकी मोटर है उनका सिंचाई का कोई बिल नहीं आएगा। तो एक तरफ रेडियो गप्पिस्तान शिवराज सिंह चौहान और दूसरी तरफ कांग्रेस के का वचन, कांग्रेस की गारंटी। मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी और शिवराज सिंह चौहान जी इन सारी बातों का जवाब मध्य प्रदेश के किसान को अवश्य देंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश एक किसान प्रधान प्रदेश है, खेत मजदूर प्रधान प्रदेश है, और वो जवाब मांगता है। और इससे पहले कि मैं आपके सवाल लूं, मैं आप सबको, आपके दर्शकों और पाठकों को आज महर्षि वाल्मीकि जी की का प्रकट दिवस है, उनकी जयंती है, तो मैं उसकी शुभकामनाएं भी आप सबको देता हूं।